एक विषय है कि पेंशन, पेंशन का विषय, क्योंकि एक सिस्टम से चैनलाइज तरीके से पेंशन जाएगी तो सबको पूरा उसका लाभ मिलेगा। अभी हमने देखा है कि इसके अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसीज आ रही है। हाँ, किसी की पेंशन नहीं बनी है उसकी ऑटोमेटिकली पेंशन बने, इसके लिए ओल्ड एज पेंशन में 59 साल, यानी 57 साल के बाद के जितने भी लोग हैं, ओल्ड एज पेंशन में 57 साल के बाद के जितने भी लोग हैं, उन सब की डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करा करके, उनके जो भी पुराना समय का कोई हमको मिल गया मानो वोटर कार्ड, उस वोटर कार्ड से ही, उस समय का वोटर कार्ड, उसमें उतने साल जोड़ करके, उस आयु में हमने जोड़ करके उसको फाइनल मान लिया है। अब उसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। जिस किसी का वोटर कार्ड नहीं रहा होगा, ऐसे ही कुछ लोग रहे होंगे जिनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो करवा देंगे, और उनके बाद जैसे ही 60 साल का होने वाला है, एक महीना पहले डिपार्टमेंट को कहा कि उनके घर जाकर के एक पेपर साइन करा लें, ताकि उनको भी पता लग जाए कि मेरी पेंशन बढ़ने वाली है। और आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ कि ऐसे पिछले 23,000 लोगों के घरों में हमने पेंशन बनवाने के उनको भेजा, 700 लोगों ने उसमें से मना किया कि नहीं, मुझे पेंशन नहीं चाहिए। मैं ऐसे लोगों को भी धन्य मानता हूँ जो कहते हैं हमको ये पैसा नहीं चाहिए। समाज में हर प्रकार के लोग हैं, तो ऐसा एक ऑटोमेटिकल पेंशन का जो विषय है।